दूसरे को एक फायदा होता होगा। सभी भाइयों को प्यार वाला नमस्कार। नमस्कार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग आजकल नाम में मजहब ढूंढते हैं, तो कई लोगों का ऐसा बोलना रहता है जीत भाई क्या है समझ में नहीं आता है, कभी सलाम बोलते हैं, राम राम जी बोलती है। तो आज इन सारी चीज़ों को हम लोग अलग रख के कुछ विषयों पे हम लोग बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को कंटेंट चाहिए रहता है वीडियोज में, ये कोई कंटेंट वाला वीडियो नहीं है। ये वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे मेरे ख्याल से वो अगर जागरूक होना चाहते हैं थोड़ा इस समाज के प्रति तो इस वीडियो को जरूर देखें, मैं ये बोलना चाहूंगा। आज हम लोग खड़े हुए हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में बाबा साई एड्स लड़के मतलब बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल में औरंगाबाद में, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि उम्र जो है जो इंसान की जीने की उम्र होती है उस उम्र से भी नीचे वाले बच्चे दिख रहे हैं मुझे। कोई मुझे 10 साल का दिख रहा है, कोई 15 साल का है, कोई 16 साल का, 15 साल का। और इस संस्था को चलाते हैं हमारे सर नाम क्या? मनोज वाकुले सर जी, इनके यहाँ पे आए हुए। एक्चुअली ये आज हम लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं आज हमारे बहुत ही दोस्त अशु बेग साहब और नवीन भाई, इनका आज बर्थडे था, शोएब भाई का बर्थडे था। तो इनके जन्मदिन के अवसर पे इन्होंने एक अच्छी सोच हम लोगों से शेयर की और मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, क्योंकि बेसिकली इंसान जब जन्मदिन बनाता है तो अपनी जिंदगी का एक साल कम करता है। और मेरे ख्याल से तो जब इंसान अपना जन्म दिवस बनाता है उस दिन उसने सोचना चाहिए कि पीछे एक साल जो उसकी लाइफ का गया उसमें उसने क्या ऐसा किया जिससे कुछ लोग हंसे। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका, इनकी ज़िंदगी का जो पहला दिन है जन्मदिन का वो इन बच्चों के साथ ही मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले हमारे साथ मनोज भाई यहाँ पे जुड़े हुए। मनोज भाई कितने बच्चे हैं आपके साथ अभी यहाँ? आपने बताया भी 27 बॉयज है और 13 गर्ल्स है। 27 बॉयज और 13 गर्ल्स है, इससे मिला के 40। इन 40 बच्चे हैं इनके पास। मैंने इनसे कुछ बात करना चाहिए पहले। मैं बेसिकली जब जाता हूँ कहीं पे भी तो थोड़ा कंफर्ट फील कराने के लिए मैं पहले से बात करता हूँ लोगों से। मैंने इनसे जब पूछा कि ये जो बच्चे हैं इनके माँ बाप इनसे मिलने आते हैं, तो इनके जो वर्ड्स थे उनसे मेरी आँख गदगद हो गई एक्चुअली। इन्होंने कहा कि 70% जो बच्चे हैं उनके माँ बाप ही नहीं है, हमारे साथ हमारे माँ बाप है और खुशियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जन्मदिन के दिन दोस्तों में दारू पी, केक कट कर, जो केक खाता नहीं उससे ज़्यादा तो उसके मुंह पे डाल देता है, कई पैसे हम लोग है ना पानियों में बहा देते हैं। आपकी ज़िंदगी का अगर रोज़ आप 5 रुपया भी अगर किसी के लिए निकालते हो ना तो आप एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। ये बहुत ही मतलब अभी मैंने आपको चेहरे दिखाए इन बच्चों के और ये इनको मालूम भी नहीं है कि हो क्या रहा है इनके साथ और लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं मालूम है सर। इसके वजह से अपना ईयरली जो एवरेज है 2 या 3 बच्चे का पास अपना होता है ईयरली। इसलिए और अपने 15 साल का एक्सपीरियंस बताता है कि इसका जो ग्रोथ है वो अभी थोड़ा कम हो रहा है और फ्यूचर में इसका ग्रोथ कम होना यही अपना सबसे बड़ा टारगेट है। कितने सालों से आपके पास बच्चे हैं ऐसे? 10 साल 5 साल से बच्चे कंटिन्यू यहाँ पे हैं? 8-10 बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने पास 10 साल से कंटिन्यू है। इक्वार्ड एम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये एड्स का फुल फॉर्म है। बचपन में पढ़ते थे हमारे भाई जो हमसे बड़े होते थे ना वो हमेशा एक उनको ऐसा दोहराते रहते थे, बड़ा रहता था। मैं बोलता था दादा ये क्या है, बोलते थे एड्स से बड़ा है। मैं तो जब उस टाइम में समझ में नहीं आता था कि एड्स है क्या। और हमारे इस समाज में जागरूक समाज बोलते हैं हम जिसको, वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, बिल्कुल सोया हुआ समाज है हमारा, क्योंकि हमको एड्स के प्रति अभी तक कुछ पता ही नहीं है। हम यहाँ पे खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप एड्स के, जिन बच्चे जो एड्स से बाधित है आप उनके साथ खड़े तो आप भी एड्स के चपेटे में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम लोग इन दोनों भाइयों के सौजन्य से यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। मैं सबसे पहले तो इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी यहाँ पे दोस्त लोग आए हुए हैं उनकी भी तरफ एक बार कैमरा घुमा दीजिए। ये यूथ है, नई पीढ़ी है, हम लोगों को आगे बढ़ना है, एक कदम आगे बढ़ाना है। आपके जन्मदिन के अवसर पर अगर आप भी कुछ इस तरह का काम अगर करते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात किसी के लिए नहीं होगी। आपके घर पर मेहमानों का भरना, उनको खिलाना पिलाना, ये सारी ज़िंदगी में चलती ही रहती है चीज़ें, लेकिन अपने जन्मदिन को आप यादगार बनाएंगे, इस तरह से आप बच्चों के साथ आपका जन्मदिवस आप मनाएंगे तो वो ज़िंदगी भर ऊपर वाले की भी डायरी में नोट रहेगा और आपके दिल में भी नोट रहेगा और हम सब भाइयों के दिलों में भी ये बातें नोट रहेंगी। सर ये जो संस्था है इसको चलाने के लिए आपको कहाँ से गवर्नमेंट क्या हेल्प करती है? गवर्नमेंट देता है अपने को 1140 रुपया, और 1140 में इनका एक बच्चे के लिए मंथली इसके 1140 में इनका फूड, शेल्टर, क्लोथ, मेडिसिन, एजुकेशन, एक्सपायरी, बिल्डिंग रेंट,
पेट्रोल डीजल लाइट बिल ये सब उसमें इन्वॉल्व होता है। अब इतनी छोटी अमाउंट में क्या होता है आप मुझे ये बताइए। 1150 रुपए पर पर्सन। हमारे बच्चों को आज खिलौना लेना है हमको तो 300 के नीचे 400 के नीचे कोई खिलौना नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिक डिमांड भी यहाँ पे पूरी नहीं हो पाती। 1140 रुपए एक बच्चे के लिए और बच्चों की उम्र बढ़ती हुई है 10 से 15 साल के बच्चे मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। इस टाइम पे बच्चों को अच्छा फूड चाहिए हेल्दी खाना चाहिए और बाहर छोड़ते हैं हम इन बच्चों को बाहर जाते हैं। कोई स्पॉन्सर मिलता है अभी फिलहाल 2 साल से तो कोई कोविड की वजह से बाहर निकला ही नहीं है। फ्यूचर में जो कोविड खत्म हुआ तो अच्छा है थोड़ा बाहर निकलना आएगा थोड़ा अपना एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा और उनकी लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ने के चांसेस होते हैं। मतलब जो बाहर से लोग जैसे अभी ये जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं छोटा मोटा कार्यक्रम कर रहे हैं इस तरह के कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ऐसा है कि यहाँ पर लोग आने को डरते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है सर आप पॉजिटिव हो गया समाज में ऐसे जो क्वालिफाइड लोग हैं वही सोचते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं तो इसमें से कोई ना कोई तो पॉजिटिव होगा या कुछ तो बैक हिस्ट्री होगी पर इनके माइंड से यही निकालना है कि भाई अपन किसी चीज के लिए काम करे तो वो व्यक्ति वैसा ही हो ऐसा नहीं है। कोई पॉजिटिव हो ना हो आपको आपके समाज के प्रति इन बच्चों के प्रति पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जब आप पॉजिटिव हो जाओगे ना जिस दिन तो वो ये वाले पॉजिटिव को हम लोग नेगेटिव बना देंगे। आप खुद पॉजिटिव होइए पहले। मैंने कोरोना के टाइम पे इतनी सारी वीडियोस बनाई लोगों के व्यूइंग उस पर ज्यादा नहीं थे ज्यादा लोगों ने देखा नहीं लेकिन ऐसे ऐसे घरों में जाके देखा जहाँ पे पॉजिटिव लोग थे और आज तक भगवान का आशीर्वाद है मुझे छींक भी नहीं। मैं इन सारी चीज़ों का बिल्कुल मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ। सबसे पहली बात जिंदगी और मौत आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको वो छीन ले उस चीज़ से। ये आपका और ऊपर वाले के बीच का एक बहुत बड़ा संघर्ष है। अगर आप इस तरह के अच्छे काम कर रहे हो तो कोई एड्स कोई कोविड और कोई बीमारी आपके आसपास नहीं आ सकती। हम में से किसी ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ है यहाँ और किसी के दिल में ये भी नहीं है कि इन बच्चों के साथ अगर हम रहेंगे तो हमको भी ये हो जाएगा। आप एक बार आके इस ऐसी जगहों पे कुछ कीजिए मत सिर्फ 15 मिनट अपनी लाइफ के इन बच्चों के साथ बैठिए आपको खुद पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या है। हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। हम लोगों को खाना मिलता है टाइम पे पानी मिलता है कपड़े मिलते हैं माँ बाप जो चाहिए वो सारी चीज़ देते हैं। बेटा को साइकिल मांगी तो बाइक दे दी। इनके लिए अगर पेंसिल मांगी ना तो पेन भी आना बहुत ज़रूरी है लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है सिर्फ 1140 रुपये एक बच्चे के लिए एक महीने का खर्च है और मुझे लगता है कि ये तो बहुत कम है। तो बाकी फिर आप कैसे सर्वाइव करते हैं सर? ये सोसाइटी से जो कुछ मंगकर अपनी बिल्डिंग गिरवी है जो अपने पास जो था जो कुछ सब लगा दिया है अभी अपन खुद ही ब्लैंक हो गए इसलिए आपको मांगने की जो मांगना पड़ता है पब्लिक से भाई गेहूँ चावल तेल फाइनेंशियल ये सब ये करना ही पड़ता है खुद के लिए नहीं मगर बच्चों के लिए। इनकी खुद की जो ये बिल्डिंग है ये भी इन्होंने इन बच्चों के लिए गिरवी रखी ऐसे बंदों के लिए एक बार ताली को समाज में आने के बाद में आपके जिस तरह आपके परिवार के प्रति कर्तव्य होते हैं उसी तरह सामाजिक कर्तव्य भी बहुत सारे होते हैं। किसी एक पॉलिटिक्स का झंडा हाथ में लेके नारे लगाने से आपकी जिंदगी कभी नहीं सुधरने वाली सुधरेगी उसकी जिसका झंडा आपके हाथ में है। एक बात याद रखना मैं सारे पॉलिटिक्स वालों की तरफ ये मैं किसी कोई पॉलिटिक्स में किसी पार्टी से नहीं हूँ और मैं किसी का समर्थन भी नहीं करता हूँ और ना मैं किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ और अगर हो सके तो थोड़ी अपनी आँख को खोलिए और जागरूक बने। कई बार हम लोगों ने ऐसी कोशिश की लेकिन कोशिश करना और उसको सफल करना इसमें बहुत अंतर है। मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे भाई है मुझे तो लगता है कि आज के बाद हमारा सबका बर्थडे हम यही सेलिब्रेट करेंगे और बर्थडे ना भी हो तो भी हम लोग यहाँ पे आके कुछ ना कुछ अपना डोनेशन देंगे ताकि बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ कर सकें। ये बोल के अब मैं सारे बच्चों को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि अशु भाई जिन दिन का बर्थडे यहाँ पे उनके साथ ही केक काटे आ जाओ बच्चों लोग सब आ जाओ। ये है अमन ये अमन है और क्या नाम है गुरु क्या बात है हो जा शुरू। ये देखिए ये बच्चियां हैं ये देखिए और ये पूरे बच्चे हैं ये देखिए चलो हैप्पी बर्थडे सब बोलेंगे। थैंक यू। बच्चों पार्टी केक तो खाओ।
उनको सबको टुकड़े करके। ये छोटू काय नाव है तुझ, नाव सांग। तो अगर आपको ये वीडियो से जरूर आपके अगर आंखें खुले तो ऐसे संस्थाओं में आप जरूर डोनेशन कीजिए, और अगर आप ना डोनेशन कर पाए तो अपने हाथ से फूड और थोड़ी खुशियां जरूर बांटें यहाँ पे। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर आपके राय कमेंट्स के जरिए बताइएगा, और हो सके तो इन छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चों की ज़िंदगी का एक दिन ज़रूर, अपनी ज़िंदगी का एक दिन उनको ज़रूर दीजिएगा, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ पल के लिए ही सही खुशियाँ आ जाए। ये देख लीजिए, ये सारे नटखट बदमाश है सारे के सारे, लेकिन अभी शरीफ बन रहे हैं यहाँ पे, है ना। मस्ती करते हो ना सब लोग, कौन कौन करता है सबसे ज़्यादा मस्ती? कोई भी नहीं करता, देखो वो करता है ना, वो पीछे बैठा हुआ रेड टी शर्ट वाला, हाँ बराबर। तो जरूर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त जीत ठाकुर को इजाजत दीजिएगा, और हो सके तो जरूर कीजिएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि करने से होगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।